अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं आ गई हूँ आपकी खिदमत में एक और वीडियो लेकर, और ये वीडियो है आपके हेयर्स के लिए, और जिनके हेयर्स गिर रहे हैं, हेयर ग्रोथ कम हो रही है जैसे कि मेरी, और मेरे बालों को काफ़ी इशू हो रहे हैं। तो फिर मैं आज बैक कैमरे से इंट्रो रिकॉर्ड कर रही हूँ, लेकिन जो है ना तो कोई बात नहीं। तो बात सारी ये है कि मेरी जो आज की वीडियो है वो है हेयर ग्रोथ पाउडर पे, और ये बहुत ही रिजनेबल आपको मिल जाएगी सईद गनी की शॉप से, आसानी से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। आई थिंक मैंने दो तीन महीने पहले बाय की थी तो 150 की थी, तो अब मेरे ख्याल से 200 की हो गई होगी या 250 की हो गई होगी समथिंग, मुझे नहीं मालूम, लेकिन आप मालूम कर सकते हैं ईजिली। आपने क्या करना है, आपने इसको जो है अगर आपने इसको बाय करना है तो आपने इसको सईद गनी की शॉप से बाय करना है। अगर आप नॉर्मल शॉप से भी आप इसको बाय कर सकते हैं, अगर आपको वहाँ से ये सपोज़ नहीं मिलती तो आप इस कोई भी, अब तो सईद गनी के आउटलेट्स जो हैं हर शहर में ही मौजूद हैं, सिटी में हैदराबाद, फैसलाबाद, रावलपिंडी, कहीं से भी आप इसको बाय कर सकते हैं। तो आपने वहाँ जाना है और आपने बोलना है हमने हेयर ग्रोथ पाउडर लेना है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये किस पैकेजिंग में है और ये किस फॉर्म में है और इसको अप्लाई कैसे करना है। तो मैं आपको बता, मेरे बालों का भी बहुत मसला हो रहा था और यहाँ यहाँ से हल्की हल्की मेरी ग्रोथ हो रही थी बालों की कम, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इसको यूज़ करना शुरू किया है और अल्हम्दुलिल्लाह थोड़ा सा मुझे फ़र्क लग रहा है मेरे बालों पर, लेकिन जो है आपने इसको ऐसे करना है कि आपने इसको यूज़ करना है। आपने इसको हफ्ते में, अगर आप डेली नहीं यूज़ कर सकते, डेली जाहिर सी बात है कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकता, अगर आप इसको डेली यूज़ नहीं कर सकते तो आपने हफ्ते में दो दफ़ा तो ज़रूर ही यूज़ करना है अपने हेयर्स पे, आपने इसको लगाना है। मैं आपको बता देती हूँ कि इसको हम बनाएंगे कैसे और इसको अप्लाई कैसे करेंगे और इसको कितना टाइम रखना है हमने अपने बालों पर, और इसका टेक्सचर क्या है, इसको हम किस किस चीज़ में बना सकते हैं, पानी में, दही में, किस किस चीज़ में हम इसको बना सकते हैं और अपने बालों पे अप्लाई कर सकते हैं, तो मैं भी आपको बताऊंगी इसी वीडियो में। तो चलिए फिर चलते हैं प्रोडक्ट की तरफ। तो आ गया हमारा हेयर ग्रोथ पाउडर, जो कि बहुत ही रिजनेबल प्राइसेस में है, हर जगह से अवेलेबल है, आप आसानी से इसको कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है, आपको हर जगह पर ये मिल जाएगा। आपको नॉर्मल स्टोर्स जो होते हैं हमारे, जहाँ से हम आटा चीनी वगैरह लेते हैं, जो हमारी ग्रोसरी स्टोर होती है वहाँ पे भी उन्होंने रखा हुआ होता है ये जो ये प्रोडक्ट है। ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ये है सईद गनी का, और आपको पता है सईद गनी के प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ नॉर्मल होते हैं बस, लेकिन ये बेस्ट प्रोडक्ट है आपके बालों के लिए, आपके हेयर्स के लिए। आप अपने जिनके बाल कमज़ोर हो रहे हैं, दो मुँह बाल हो रहे हैं, रफ़ हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, और आपके बालों की जो ग्रोथ है आपके स्कैल्प पे से कम हो रही है, आपका स्कैल्प जो है आपके स्कैल्प पे ग्रोथ कम हो गई है, आपके स्कैल्प अब बॉल्डनेस नज़र आती है, मतलब गंजपन आपके सर पे नज़र आना शुरू हो गया है, तो ये उसके लिए बेस्ट है। जिनको कोई जिनको समझ नहीं आती, जो महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स करवाते हैं, तो मैं तो यही आपको रेकमेंड करूँगी कि आप इसको यूज़ करें और लगातार यूज़ करें, और आप फिर मुझे इसके जो हैं एक महीना तो कम से कम आप इसको यूज़ करें, और इंशाल्लाह आपको इसके रिज़ल्ट ज़रूर नज़र आएंगे, क्योंकि मेरे बाल भी बहुत कमज़ोर हो रहे हैं और मेरे बालों पे भी जो है थोड़ा घनापन कम हो गया है, बोल्डनेस हल्की हल्की, मेरी मांग थोड़ी सी खुलना शुरू हो गई है, लेकिन मैं परेशान हो गई थी, लेकिन फिर मुझे किसी ने बोला कि मेरी फ्रेंड ने मुझे रेकमेंड किया कि तुम ये यूज़ करो, हेयर ग्रोथ यूज़ करके देखो, और ये सईद गनी का प्रोडक्ट है, आपको आसानी से अवेलेबल होगा हर जगह, आप किसी भी सिटी में रहते हैं, किसी भी शहर में रहते हैं, आपको आसानी से वहाँ मिल जाएगा, और अगर आपको नहीं मिलता तो आप इसको इजीली दराज से भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो अच्छा, मैं इसका जो आप ये देख रहे हैं कि नेचुरल हेयर केयर गिव्स केयर टू योर हेयर, आर नेचुरल हेयर प्रोडक्ट, नो हार्मफुल केमिकल्स, इसमें कोई भी ऐसा केमिकल नहीं है जो आपके बालों को नुकसान दे, आपके बालों को डैमेज करे, इसमें कोई भी केमिकल ऐसा नहीं है, इसमें सारी नेचुरल चीज़ें ऐड की गई हैं जो कि आपके बालों को मजबूत करेगा, आपके बालों में जो रूखापन, बेजान आपके बाल हो गए हैं तो उनको ये आपके बालों में ये जान लेकर आएगा, और बहुत ही बेस्ट प्रोडक्ट है मेरी नज़र में तो। अच्छा, तो इसको ये आप देख लें कुछ इस तरीके से, आपको ये है 100 ग्राम्स
100 ग्राम्स के पाउच में आपको ये अवेलेबल होगा। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो है ये बनेगा कैसे। अच्छा, तो ये जब मैंने बाय किया था तो इसकी प्राइस आई थिंक ये देखें, जब ये मैंने बाय किया था तो ये मुझे 200 रुपये का मिला था। अब आई थिंक मैं कुछ महीने हो गए, 2-3 महीने हो गए, तो अब मेरे ख्याल से इन्होंने 50 रुपीज़ बढ़ा दिए होंगे, तो 250 का हो गया होगा, लेकिन फिर भी अफोर्डेबल है। तो मैं अब आपको बता दूं कि हम इस पर क्या किया, इसकी इंस्ट्रक्शंस क्या लिखी हुई है। अच्छा, पहले तो मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। तो इसके इंग्रेडिएंट्स कुछ यूँ हैं कि इसमें है मेहंदी, हिना पाउडर, नीम, मैरगोसा पाउडर, सिकाकाई, अकाशिया पाउडर, आंवला, इंडियन गोजबेरी पाउडर, रेड रूट, बैनियन ट्री रूट पाउडर, हरड़, मैरोबेलेंस पाउडर। ये लास्ट में पता नहीं क्या लिखा हुआ है, आई डोंट नो। तो आप मैं जूम करती हूँ कि आप इसके प्रोडक्ट पढ़ सकते हैं। ये 2-3 महीने हो गए, तो बस पड़ा पड़ा जो है इसके ऊपर थोड़ा सा इसका पाउच ख़राब हो रहा है, क्योंकि मैंने इसको अंदर अपनी अलमारी में छुपा के रखा हुआ था। मजाक कर रही हूँ, बस आपको पता है चीज़ें घर में पड़े पड़े ऐसी हो जाती हैं। अच्छा, तो मैंने आपको बता दी कि इसमें क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, और ये सारे इंग्रेडिएंट्स नेचुरल हैं, इनमें कोई भी केमिकल नहीं है। अच्छा, तो मैं अब आपको बता दूं कि हाउ टू यूज़, इसको हम यूज़ कैसे करेंगे। आपने यूज़ कुछ इस तरीके से करना है, यूज़ ऑल पाउडर लीव ओवरनाइट इन वाटर, इट विल गेट इनटू डार्क कलर्ड पेस्ट, अप्लाई इट ऑन हेयर फॉर हेयर कंडीशनिंग, कीप इट फॉर 15 मिनट फॉर बोथ हीना कलर एंड कंडीशनिंग, कीप इट फॉर 2-3 आवर्स, देन सिंपली वॉश इट ऑफ विद वाटर। अच्छा, तो ये हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि आपने इस पाउडर को पानी में ओवरनाइट रखना है, मतलब पूरी रात आपने इसको पानी में भिगो के रखना है। आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से जो है आप इसको पानी को ले पानी में मिला सकते हैं, आप इसका जो भी है पेस्ट वगैरह लेकर। तो कुछ ये जो है आप इसको, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप थोड़ा सा वार्म वाटर करके, गर्म पानी करके उसमें 2-3 चम्मच डाल के 2-3 घंटे बाद ही इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्म पानी में सारा इसका जो भी है इसका असर जो है वो आ जाएगा। तो आप इसको पानी में डाल के इसके आप अपने बालों की लेंथ के हिसाब से आप ले सकते हैं इसको, और आपने अगर आपके पास टाइम है तो आपने इसको पूरी रात भिगो के रखना है, और फिर आपने सुबह इसको अपने हेयर्स पे अप्लाई कर लेने, अपने स्कैल्प पे आपने लगा लेना है, जहाँ जहाँ आपको बोल्डनेस फील हो रही है, आपकी मांगे खुल रही हैं, और जहाँ से आपके बाल कम हो रहे हैं वहाँ पे आपने इस पेस्ट को पूरे सर पे आपने इसको पेस्ट को आपने लगाना है, और फिर आपने इसको यहाँ लिखे हैं 15 मिनट, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आप कम से कम 1 घंटा तो ज़रूर रखें, और अगर आपके पास टाइम नहीं तो आप आधा घंटा भी इसको लगा के रख सकते हैं। उसके बाद कोई भी पॉलीथीन कैप होती है आफ्टर वॉश, जो हम बालों पे यूज़ करते हैं पॉलीथीन की कैप होती है, अभी मेरे पास नहीं है तो मैं आपको शो करवा देती, तो वो आपने पेस्ट अपने सर पे लगा के उसको अपने सर पे पॉलीथीन कैप वियर कर लेनी है, जिससे थोड़ी सी हमारे जो सर पे गर्माइश पैदा होगी और ये जो टेक्सचर है ये हमारे स्कैल्प के अंदर, हमारे रूट्स के अंदर चला जाएगा, और फिर हमें ये ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएगा। तो ये आपने देख लिया, आप इसको वाटर में भी लगा सकते हैं, और आप इसको दही में भी मिला के लगा सकते हैं अपने हेयर्स पे। दही भी आपके बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, और मैं तो यही आपको बोलूँगी कि पानी से ज़्यादा अच्छा है कि आप दही में इसको मिला के लगाएं अपने बालों पे, क्योंकि दही जो होती है, दही की जो तासीर होती है वो ठंडी और थोड़ी सी खट्टी होती है, तो आपके जो बालों के लिए खटास अच्छी होती है। तो आप और दही तो सबको ही मालूम होगा कि दही के बहुत ही बेनिफिट्स हैं, और दही हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। अगर आप दही में अगर आपके पास सिकाकाई आंवला वगैरह, तो वैसे ही हमारे हेयर्स के लिए बहुत अच्छी होती है। तो मैंने आपको बता दिया कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, तो मैं अब आपको दिखा दूं कि ये अंदर से इसकी पैकेजिंग कैसी और इसका टेक्सचर कैसा है। तो इसको हम निकालते हैं, ये बेड पे थोड़ा थोड़ा गिर गया है क्योंकि ये खोला हुआ मैंने, तो इसकी जो पैकेजिंग खुली हुई, तो बस आपको पता है अगर ये खुली होती है तो ये पाउडर फॉर्म में, मैं आपको थोड़ा सा इसको इसके ऊपर डाल के दिखा देती हूँ कि इसका टेक्सचर कैसा है। तो ये देखें, कुछ इस तरीके से इसका टेक्सचर है, ये आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल पाउडर फॉर्म में है। इसमें आंवला, सिकाकाई, अकाशिया पाउडर, बहुत सारी इसमें नेचुरल जो हैं रूट्स हैं, जड़ी बूटियां इसमें ऐड की गई हैं, ये आप देख सकते हैं।
और ये आप देख लें, मैं जूम करके आपको दिखा रही हूँ, और ये बहुत ही आपके बालों के लिए फ़ायदेमंद है। इसको आप दही में भी मिला के लगा सकते हैं और पानी में भी मिला के लगा सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको डिटेल से समझाया होगा और आपको समझ आ गई होगी, और ये आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, ये आपको कहीं से भी इजीली अवेलेबल हो जाएगा। तो जी उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो समझ आई होगी, क्योंकि मैंने आपको बहुत डिटेल से इसके बारे में समझाया, और इंशाल्लाह आपको इससे फ़ायदा भी होगा, और आपने यूज़ करके मुझे आपने बताना है कि आपको कम से कम एक हफ़्ता तो आपने इसको यूज़ करना है, और आपने अगर आप डेली यूज़ नहीं कर सकते तो आपने इसको हफ्ते में 2 दफ़ा अपने बालों पर ज़रूर लगाना है। पानी में भी मिला के आप लगा सकते हैं और दही में भी मिला के आप लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आपने लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है, और आपने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आपको कैसी लगा, कैसे मैंने आपको जो रिव्यू दिया है वो कैसा लगा। और मैंने बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह आपको हॉनेस्ट रिव्यू दिया है, कोई भी ऐसी बात नहीं है उसमें, कोई भी केमिकल नहीं है, कोई आप उसको जो है उस पाउडर का जो है हेयर ग्रोथ जो पाउडर है सईद गनी का, इसको आप बच्चों के सर पे भी अप्लाई कर सकती हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं जिनके बाल नहीं आते, जो उन जो बच्चों को बालों की प्रॉब्लम होती है, तो उनके सर पे भी आप आसानी से इसको लगा सकते हैं। कोई भी इसमें हार्मफुल प्रोडक्ट्स नहीं है, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं, बड़े भी यूज़ कर सकते हैं, बूढ़े भी यूज़ कर सकते हैं, हर एज का बच्चा हर एज का बंदा इसको यूज़ कर सकता है। और इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरा रिव्यू अच्छा लगा होगा। तो मैं आपसे मिलूँगी अब नेक्स्ट वीडियो में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरा चैनल ज़रूर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मुझे जो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हैं मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें। मेरा इंस्टाग्राम पे है hani khan72 के नाम से है वहाँ पे मेरा अकाउंट, तो वहाँ भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।